बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिज़ाइनिंग करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स की। इसकी ये 7 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। डिराइव स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम कैसे डिराइव करनी है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स, स्टेट रिडक्शन कैसे करनी ये भी देख चुके हैं, और स्टेट असाइनमेंट जो है वो भी हमने की है, बाइनरी वैल्यूज असाइन की थी। ये हम 3 स्टेप्स ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से जो बाइनरी कोडेड जब स्टेट टेबल में मिल जाएगा तो उससे हमने फिर डिसाइड करना है कि कौन से फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट करना है। वो करने के बाद फिर हमने उसकी इक्वेशंस डिराइव करनी है, और वो करने डिराइव करने के बाद फिर हमने उसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है। यानी कि वही तरीका है, वही प्रोसेस है, बस हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब हम सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं। पहले हमें सर्किट अवेलेबल था, हम सर्किट से आगे नेक्स्ट जो है वो स्टेट डायग्राम या स्टेट टेबल या स्टेट इक्वेशंस बना रहे थे। अब हमें स्टेट इक्वेशन या स्टेट डायग्राम या स्टेट टेबल गिवन होगा और कहा जाएगा कि इससे सर्किट को या लॉजिक डायग्राम इसकी डिज़ाइन करें, और डिज़ाइनिंग के लिए फिर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो कोई एक एग्जांपल लेके इसको स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वी विश टू डिज़ाइन अ सर्किट दैट डिटेक्ट्स 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस इन अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स कमिंग थ्रू एन इनपुट लाइन। यानी कि हमें ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो कि 3 या इससे ज़्यादा अगर कंसेक्यूटिव वंस आए तो उसको डिटेक्ट करें। बिट्स आ रही हैं हमारे पास, और जैसे ही 3 या इससे ज़्यादा वंस आएंगे स्ट्रिंग में, जो डाटा आ रहा है 1 by 1 बिट्स आ रही हैं, अगर वो आएगा तो हमें वो डिटेक्ट करना है। ये मेरे पास इसका सिंपल प्रॉब्लम है। यानी कि 4 स्टेट्स हैं मेरे पास, ठीक है, और इन 4 स्टेट्स में और मेरी आउटपुट 1 कब होनी चाहिए, जब 3 या 3 से ज़्यादा वंस आएंगे। तो मैं अगर इसको इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करूं तो मेरी डायग्राम ऐसे कंस्ट्रक्ट होगी कि अगर मैं एस नॉट पे हूं और 0 आ जाता है तो फिर 0 आएगा। यानी कि 0 स्टेट पे है तो इससे 0 से आउटपुट पे 1 नहीं आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे टारगेट क्या चाहिए कि जब 1 ज़्यादा हो तो फिर 1 आए आउटपुट पे, अदरवाइज 1 ना आए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक स्टेट टेबल बना लिया ये, और एक स्टेट डायग्राम बना ली। क्वेश्चन में ये दोनों गिवन हो सकती हैं या स्टेटमेंट गिवन हो सकती है, स्टेटमेंट से फिर आगे ये बनाना होगा। मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, मेन फोकस जो है वो ये है कि यहाँ से आगे मैंने इसकी लॉजिक डायग्राम कैसे डिज़ाइन करनी है। तो जब अगर ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, ये रिक्वायरमेंट है किस्म की कि ये चीज़ें हों तो ये आउटपुट होगी और ये नेक्स्ट स्टेट्स होंगी। To implement the circuit, 2 D flip-flops are chosen to represent the 4 states and label their outputs A and B. मैंने इस टेबल को जो लास्ट में हमने देखा, ये वाला टेबल, अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ स्टेट टेबल, तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए चूज़ करता हूँ D flip-flop। ये किसी और flip-flop से, JK से भी हो सकता है, लेकिन हम अभी फिलहाल D flip-flop क्योंकि सिंपल है तो उसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मेरे पास कितनी इनपुट्स हैं जी, एक इनपुट X है और 2 स्टेट्स हैं, यानी 2 flip-flop चाहिए होंगे। एक की फ्लिप फ्लॉप की, डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ए होगी और दूसरे डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट बी होगी, और एक आउटपुट वाई होगी। अगर डी फ्लिप फ्लॉप की क्वेश्चन देखें तो हमें पता है कि जो डी पे होता है वही आगे क्यू पे चला जाता है, यानी नेक्स्ट स्टेट वही होती है जो कि डी पे वैली होती है। मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखनी है, स्टेट इक्वेशन लिखनी है ए और बी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए मेरा नेक्स्ट स्टेट में ये है और बी ये, ठीक है, अगर मैं इसकी थोड़ा सा यहाँ पे याद कराऊँ तो डी फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था यहाँ पे अगर क्यू होता है तो, और ये अगर डी होता है तो ये जो इनपुट होती है यही आउटपुट बन जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे इस क्यू को कह रहे हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप में ए है और जो दूसरा है उसकी आउटपुट बी है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट वो डी वाली ही होगी, तो यहाँ पे वैल्यू होगी वही आगे नेक्स्ट स्टेट बन जाती है। मुझे ये चेक करना है कि मेरे डी पे क्या आएगा, यहाँ पे पीछे मैं क्या सर्किट बनाऊँ, या मैं इसके बैक पे क्या कम्बिनेशनल सर्किट बनाऊँ, ठीक है। तो 3 चीज़ें होंगी, ए बी को फीडबैक में भी ले सकते हैं, और एक्स मेरी इनपुट एक्स भी आ सकती है, और यहाँ कहीं पे वाई आउटपुट भी आ रही होगी। ये एक थोड़ा सा स्केच बन जाएगा हमारा जो सर्किट है उसका। फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेट कॉलम। तो इसको करने के लिए हम ये करते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेट कॉलम को देखते हैं। मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेट पहला जो कॉलम है वो ए है, ठीक है। अगर मैं इस कॉलम पे गौर करूं और अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इसका कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करें, तो आप कहेंगे कि इसका 2 तरीकों से हो सकता है।
सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के थ्रू। अगर हम इसका सम ऑफ मिन टर्म ही लिखते हैं, मिन टर्म्स की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसकी इक्वेशन को, तो ए जो होगा या डी ए अगर इसका नाम ले लें, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है, डी ए इक्वल होगा समेशन ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म। ये हमारी कौन सी टर्म है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, 3, 5 एंड 7। तो ए टी प्लस 1 की इक्वेशन ये आ जाएगी। हमने नेक्स्ट स्टेट का कॉलम देखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेट पे हो रहा है वो हमें इक्वेशन चाहिए, प्रेजेंट स्टेट को हमने नहीं देखना। ओके नेक्स्ट, अगर मैं गौर करूं बी के ऊपर दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, डी बी की अगर इक्वेशन लिखूं, तो 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 3 1 आ रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सेवन्थ टर्म है। तो मेरी इक्वेशन बनेगी समेशन 1, 5 एंड 7 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आउटपुट की इक्वेशन लिखना चाहें, तो आउटपुट की इक्वेशन में लास्ट 2 1s हैं, यानी कि मेरा जो है 6th एंड 7th टर्म की समेशन हो जाएगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएंगी। और ये सर्किट अब इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। जस्ट हमने दो फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं, डी फ्लिप फ्लॉप्स, उनकी इनपुट पे ये सर्किट डिज़ाइन करना है ए की, और बी की इनपुट पे हमने ये सर्किट डिज़ाइन करना है, और वाई के लिए एक अलग से सर्किट नीचे बना देना है। इसको करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो नज़र आ रहा हो कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें तो अच्छा है। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगेन के मैप बेस्ट मेथड है, तो हम देखते हैं कि के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसका बनाएं, ए का बना रहे हैं, ठीक है, डी ए का पहली इक्वेशन का, इसमें 3, 5 एंड 7, 0, 1, 2, 2, 3, एक यहाँ वन आएगा, क्या आएगा, तो ये दो दो के दो पेयर्स बन रहे हैं। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड आ जाएगी। ये कैसे हो रहा है, ये हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे सिंप्लीफाई करना है कि नहीं। इसी तरह से बी की इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। बी के लिए क्या करेंगे, 1, 5 एंड 7 पे 1 लगाएंगे, वो लगाने के बाद दो दो के पेयर बनेंगे, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारी क्वेश्चन आ जाएगी ए एक्स प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक्स। इसी तरह से वाई के लिए भी कर सकते हैं, 6 एंड 7 है तो ये एक पेयर बनेगा, और यहाँ पे अगर गौर करें तो ए आ जाएगा, और साथ ही बी खत्म नहीं होगा, बी आएगा, ए बी आएगा, और C10 है तो सी या X10 है तो एक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीन वेरिएबल्स के लिए कर रहे हैं, दो मेरी स्टेट्स हैं ए बी, और तीसरी मेरी इनपुट है एक्स, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस तीन की फॉर्म में है, लेकिन अब ए हमारी एक स्टेट्स हैं ए बी, और एक्स इनपुट है। जो यूजुअली हम पीछे कर रहे थे कम्बिनेशनल सर्किट्स में, तीनों ही इनपुट्स होती था। तो सिंपलीफाई करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया, वो मेरे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन आई डी ए की, एक डी बी की, और एक वाई की। तो मुझे दो फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं, मैंने यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप लगाए, ठीक है, एक ए के लिए और एक मैंने फ्लिप फ्लॉप लगा दिया बी के लिए। जो डी ए की क्वेश्चन है, वो यहाँ पे उसका सर्किट हमने डिजाइन करना है। वो क्या है, ए एक्स एंड हो रहा है और बी एक्स एंड हो रहा है। तो मैंने ए यहाँ से फीडबैक में लिया, यहाँ पे ए आ गया और ये एक इनपुट आ रही थी, यहाँ पे एक्स आ गया, तो ये ए एक्स बन गया, ठीक है। और बी एक्स को भी एंड करना है, बी यहाँ पे है, बी को भी फीडबैक में लिया, यहाँ पे बी आ गया और ये एक्स ऑलरेडी इधर आ रहा था, ये बन जाएगा बी एक्स। और फिर इन दोनों का हमने और करके सम कर लेना है, ये मेरे डी ए यहाँ पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा फॉलो डी बी को, सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो है। अगर इस पे गौर करें तो डी ए एक्स दोनों एंड हो रहे हैं, यहाँ पे ए और एक्स एंड होना चाहिए, ए एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया इधर से एक्स, ओके। इसको यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, एक्स को यहाँ पे एक्स बनाया था उसने, यहीं से डायरेक्टली यहाँ पे एक्स ले लिया, ये एक्स इधर आ गया। ये दूसरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स और उसके साथ बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये बी है तो ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये क्यू बार होता है, हमें पता है इसका नॉट होता है क्योंकि यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है। ये यहाँ से फिर यहाँ पे आया तो ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इधर बी एक्स आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा, और ये ए एक्स आ जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी।
वाई के लिए सेपरेटली करना है, हमने ए बी एंड हो रहा है तो उसने ए और बी एंड कर दिया। ठीक है, ये हमारा ए आ गया और ये ए बी आ गया, दोनों को हमने एंड कर दिया तो ये मेरी आउटपुट आ गई। इस तरह से हमने सिक्वेंशियल सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करना। पहले अपनी स्टेटमेंट से हमने स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल बना लेना है, वहाँ से फिर हमने डिसाइड करना है कौन से फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट करना है। वो डिसीजन लेने के बाद फिर फ्लिप फ्लॉप की क्वेश्चन के जेन में रखते हुए हमने अपनी और नेक्स्ट स्टेट की क्वेश्चन लिखनी है ए और बी के लिए या जितनी भी होंगी, और अगर आउटपुट है तो आउटपुट के लिए भी हमने इक्वेशन लिख लेनी है। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर हमने उनको जो जो जितनी भी क्वेश्चन आएंगी उन सबको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमने उसे इम्प्लीमेंट कर देना जैसे कि इसमें किया गया। When D type flip flops are employed, the input equations are obtained directly from the next state. ठीक है, तो ये बड़ा simplify कह सकते हैं आसान flip flop है कि जब भी D flip flop में हमने input equation लिखनी होती है तो directly next state से आ रही होती है, यानी कि यहाँ पे हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जो हमें यहाँ पे requirement हो हम वही चीज़ें यहाँ पे directly implement कर देते हैं। This is not the case for JK and T types of flip flops. In order to determine the input equations for these flip-flop, it is necessary to derive a functional relationship between state table and the equation input equations. So, JK flip-flop में हम ये directly या T flip-flop में ये वाला काम directly नहीं कर सकते क्योंकि वो JK flip-flop की और equations हैं और T flip-flop की equations हो रहे हैं। इनकी जो equations हैं उनको फिर state table के साथ हमें link करना पड़ता है, उनका relation निकालना पड़ता है। ड्यूरिंग दी डिज़ाइन प्रोसेस वी यूजली नो दी ट्रांजिशन फ्राम प्रेजेंट स्टेट टू दी नेक्स्ट स्टेट। ये हमें पता होता है डिज़ाइन, जब हमें रिक्वायरमेंट गिवन होती है ना कि प्रेजेंट स्टेट ये है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए, यानी हमें यूजली टेबल का पता होता है, स्टेट टेबल या स्टेट डायग्राम हमें गिवन होती है, हमें पता होता है कि क्या हमें चाहिए, उसकी बेस के ऊपर फिर हमने ये इनपुट इक्वेशन डिराइव करनी है। फॉर दिस रीजन वी नीड ए टेबल दैट लिस्ट दी required inputs for a given change of state such as table is called an excitation table. ठीक है, तो इस तरह के फ्लिप फ्लॉप्स को जब इम्प्लीमेंट करना है तो हमें एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा। एक्साइटेशन टेबल ये बताएगा कि इनपुट के लिहाज इनपुट का फ्लिप फ्लॉप की इनपुट का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है या इनपुट से स्टेट कैसे चेंज हो रही है। तो ये एग्जाम्पल से ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है वो क्या है, जो प्रेजेंट स्टेट पे वैल्यू आ रही है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट बन जाती है। ये इक्वेशन थी, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, यानी अगर डी पे जीरो आ रहा है तो हमारा जो क्यू होगा वो क्यू टी प्लस वन, यानी नेक्स्ट स्टेट जो होगी आउटपुट जो होगी वो मेरा जीरो होगा, अगर वन है तो वन होगा। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अगर इसके एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो इसका एक्साइटेशन टेबल ये होगा, अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है और डी भी जीरो तो इनपुट डी जीरो, अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट वन है तो डी मेरा वन हो जाएगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्टेट और डी जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, जीरो जीरो वन 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 वन। जे के फ्लिप फ्लॉप में जो है वो क्या होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इसकी हमें इक्वेशन भी बताया, हमें पता है कि अगर जे जीरो और के जीरो तो प्रेजेंट स्टेट ही आ जाती है, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर जे जीरो और के वन हो तो आउटपुट रीसेट हो जाती है, क्यू टी प्लस वन या नेक्स्ट स्टेट मेरी जीरो हो जाती है। अगर जे वन हो और के जीरो हो तो सेट हो जाता है, क्यू टी प्लस वन वन हो जाता है, अगर वन वन हो तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि हमारा
टॉगल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टेबल की बेस के ऊपर हमने स्टेट इसकी जो इक्वेशन निकाली थी वो भी हमारे सामने, जो कि ये होती है जे क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस बेस के ऊपर हमने सर्किट को आगे डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब डिजाइनिंग में क्या चीज़ है, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप में था, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या था मेरे पास, जब आपने किसी चीज का जो है वो सर्किट से आगे चलना है, अगर सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन है और उससे आगे स्टेट टेबल या स्टेट डायग्राम बनानी है, तो ये करेक्टरिस्टिक टेबल हमारा हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अगर डिजाइनिंग करनी है यानी उल्टा प्रोसीजर करना है, हमें टेबल गिवन है उससे हमने सर्किट डिजाइन करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट पे क्या सर्किट बनाना है या इनपुट पे क्या वैल्यूज आ रही हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में किया था। जब हमने ये सारी डिजाइनिंग की थी, स्टेट टेबल गिवन था, ठीक है, इस स्टेट टेबल की बेस के ऊपर हमने ये डिसाइड किया था कि मेरे ए और बी पे क्या है, ठीक है, डी ए डी बी या वाई क्या है, यानी कि मेरी ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट क्या है। जो हम इससे पहले कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, वो हमने ये गिवन था और उससे फिर हमने सर्किट डिजाइन किया, मतलब टेबल डिराइव किए थे। डिजाइनिंग में क्या होता है, रिक्वायरमेंट गिवन होती है, उससे फिर हमने आगे सर्किट बनाना होता है। तो हमें ये चीजें चाहिए कि डी पे क्या होना चाहिए, जे के में हमें क्या पता होना चाहिए, जे या के पे क्या होगा, ठीक है। तो उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, उसकी डिजाइनिंग ऐसे होगी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रेजेंट स्टेट, मुझे स्टेट टेबल गिवन है, उसमें मुझे प्रेजेंट स्टेट नजर आ रही है 0 और मुझे नेक्स्ट स्टेट भी पता है जो कि क्या है 0 है, ठीक है। जब भी प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट 0, इसका मतलब क्या है, हम किस चीज पे जा रहे हैं, नो चेंज, मतलब मेरे जे और के का क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, जे और के का ये कम्बिनेशन होना चाहिए कि नो स्टेट हो, जे के की क्या वैल्यू हो, 0 0 0 0 पे नो स्टेट हो, चून चेंज होता है। मुझे क्या चाहिए, 0 0 चाहिए। अगर मैं 0 0 साइन कर दूं अपने जे के पे, तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेजेंट स्टेट 0 और मैं इसको रीसेट कर दूं, 0 को दोबारा ही 0 कर दूं, तो भी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 ही होगी। इट मींस कि अगर 0 1 हो तो भी 0 ही मिलेगा मुझे नेक्स्ट स्टेट में, तो 0 1 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस कि इस केस में मेरा के जो है वो डोंट केयर है, और जे मेरा 0 है, ठीक है। जे 0 के कुछ भी हो जाए, 0 हो जाए 1 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट केयर कंडीशन है। यानी अगर 0 होगा तो नो चेंज चला जाएगा, के अगर 1 होगा तो वो रीसेट में चला जाएगा। तो इस एक्साइटेशन टेबल से मैंने, इसमें टेबल में मैंने जे और के को डिसाइड करना है कि फ्लॉ प्रेजेंट स्टेट पे जब नेक्स्ट स्टेट ये हो रही है तो मेरा जे के क्या हो। नेक्स्ट अगर मैं गौर करूँ, मेरी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 और नेक्स्ट स्टेट 1 हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, दो चीजें। एक तो ये पहली चीज, पहला केस जेन में आता है कि 0 से 1 हो रहा है, इट मींस के ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ये वाली कंडीशन, यानी कि 1 1 हो सकता है। दूसरी बात जो जेन में आती है वो ये आती है कि 0 था हमने उसे सेट कर दिया, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन, 1 0 कर दिया। 1 0 हो या 1 1 हो जे के, हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट अचीव हो जाती है, यानी सेट हो या टॉगल हो। इस केस में हमारा जे 1 होगा और के मेरा डोंट केयर हो जाएगा अगेन, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगर कॉम्बिनेशन पे गौर करें, प्रेजेंट स्टेट 1 है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है। दो चीजें ध्यान में आ रही है, एक तो रीसेट हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, या अगेन टॉगल हो रहा है, यानी कि रीसेट की क्या कंडीशन है, 0 1, और टॉगल की है 1 1, 0 1 या 1 1। इस केस में मेरा जे डोंट केयर में चला जाएगा और के 1 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1 है तो 1 ही चाहिए हमें, यानी अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है, इट मींस कि नो चेंज, 0 0, या सेट कर रहे हैं 1 को सेट करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 1 के केस में ये आ जाएगा, 0 0 या 1 0, यानी ये मेरा जे डॉट केयर हो गया और के 0 हो गया। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इसको देख के फिर हम इक्वेशन बना सकते हैं जे की
और इसको देख के हम क्वेश्चन बना सकते हैं के की। उसके लिए अगेन के मैप वगैरह हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से टी फ्लिप फ्लॉप पे अगर गौर करें, टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जीरो हो तो वन, वन हो तो जीरो, मतलब कॉम्प्लीमेंट करना होता है। अगर जीरो हो तो टी, अगर जीरो हो तो उसने नो चेंज रखना होता है, और अगर वन कर दे तो वो टॉगल करेगा, आउटपुट को चेंज करता रहेगा। ये इसकी क्वेश्चन थी, लेकिन मुझे अब गौर करना है एक्साइटेशन टेबल पे। अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो ही चाहिए हो तो टॉगल टी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो और वन चाहिए तो टी वन होगा, वन है तो जीरो चाहिए तो टॉगल वन होगा, वन वन है तो जीरो। इन्हें चेंज नहीं करना तो जीरो, अगर चेंज करना है तो वन चाहिए। इसका सिंपल है। ओके, सेम प्रॉब्लम है, सेम डायग्राम है, सेम मेरे पास टेबल है, लेकिन मैंने इसे अब इम्प्लीमेंट करना है जे के फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, ये मेरे पास टेबल था गिवन, ये वाला, ठीक है, स्टेट टेबल ये गिवन है। मुझे डिसाइड करना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं। दो स्टेट्स हैं, पहले तो ए बी, तो मुझे एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए ए के लिए और एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए बी के लिए। जे के से कर रहा हूँ तो मुझे एक फ्लिप फ्लॉप में जे की क्वेश्चन चाहिए होगी और बी के की चाहिए होगी। जे ए नाम रख लेते हैं और जे बी के बी रख लेते हैं। इसी तरह से एक और फ्लिप फ्लॉप लगेगा जिसमें भी जे के होंगे, एक का नाम जे बी और दूसरे का नाम के बी रख लेते हैं। ठीक है, पहले हम गौर करते हैं ए के ऊपर। ए की प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो हो रही है। ठीक है, मैं ए के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अभी जे, तो मैं अभी फिलहाल गौर करता हूँ सिर्फ जे ए और के ए पे। ठीक है, जे ए और के ए पे अगर गौर करना है तो मुझे देखना होगा ए प्रेजेंट स्टेट को ए की नेक्स्ट स्टेट के साथ। इन दोनों के रिलेशन से हम रो वाइज इसका आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, तो जे ए क्या होगा, जब जीरो जीरो हो तो जीरो जीरो के केस में, लास्ट स्लाइड में अगर देखें तो जीरो जीरो के केस में क्या था, प्रेजेंट स्टेट भी जीरो थी और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, तो हमने कहा था जीरो जे जीरो के डोंट केयर, जे जीरो के डोंट केयर। इसी की बेस के ऊपर हमने जे ए और के ए की क्वेश्चन लिख लेनी। फिर हमने गौर करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा फोकस होगा जे बी एंड के बी के लिए। तो जे बी के लिए हम बी को, बी की प्रेजेंट स्टेट को देखेंगे बी की नेक्स्ट स्टेट के साथ, और इसकी बेस के ऊपर हम इक्वेशन लिखेंगे जे बी एंड के बी की। ठीक है, अगेन अब जीरो को देखेंगे जीरो के साथ, अगेन जीरो डोंट केयर। इसी तरह से करके पिछला जो एक्साइटेशन टेबल है उसकी बेस के ऊपर हम फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स डिसाइड कर लेंगे, जे ए पे क्या होना है, के ए पे क्या होना है, जे बी पे क्या होना है या के बी के ऊपर क्या होना है। अब अगर मैं इनकी क्वेश्चंस लिखना चाहूँ तो इनकी क्वेश्चंस मैं कॉलम वाइज लिख सकता हूँ। जे ए की क्वेश्चन लिखनी है तो जे ए पे गौर करें। हमें पता है कि डोंट केयर जितने लेंगे उतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होती है, के मैप विद डोंट केयर कंडीशन हमने किया था, तो हम इनको वन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, डोंट केयर का मतलब है जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि के मैप अगर यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो डोंट केयर को अगर इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, तो हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे जे ए में वन तो एक ही नज़र आ रहा है, जो कि वन जीरो वन टू थर्ड है, और हमने इनको भी वन ही कंसिडर कर लिया। ठीक है, इक्वेशन ये आ गई। के ए पे गौर करें तो जीरो वन टू थ्री फोर एंड सिक्स, ये इक्वेशन आ गई। जे बी पे गौर करें तो वन वन टर्म, सेकेंड थर्ड फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ आ गई। इस तरह से हमने इक्वेशन लिख ली जे ए के ए जे बी एंड के बी। इसकी बेस के ऊपर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले जे ए को देखते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पे मान लगाए, यहाँ पे डोंट केयर लगा लिए। डोंट केयर हम कहते हैं कि इंक्लूड करने की जरूरत, इनके लिए लहदा से ग्रुप नहीं बनाना होता, अगर वन के साथ बन रहा है तो हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं। तो जे ए की क्वेश्चन आ जाएगी बी एक्स। इसी तरह से के ए का आप के मैप बनाएंगे, ये इसका के मैप बन रहा है, ये डोंट केयर इंक्लूड करके इसकी क्वेश्चन बनेगी एक्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जे बी, और इसी तरह से हमने के बी की भी क्वेश्चन बना लेनी है। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, हम बहुत दफा काफी डिटेल में चीजें देख चुके हैं। ये करने के बाद जो सिंप्लीफाइड मेरे पास इक्वेशंस आई हैं वो ये आ गई। ठीक है,
एक इक्वेशन वाई की होगी जो कि सेम है प्रीवियस एग्जांपल में जो थी वही वाली है। तो जे पे क्या, जे ए पे क्या आ रहा है, बी एक्स, बी एक्स लगा दिया, बी और एक्स को हमने, बी यहाँ से आ गया, बी एक्स को एंड कर दिया। के पे क्या आ रहा है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। जे बी पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है सिंपल, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और के पी पे क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो के पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये और ये उसने नेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिया इन्वर्ट और के थ्रू। ये हमारे पास सॉरी एंड इन्वर्ट के थ्रू, ये हमारे पास इक्वेशन था कि वाई की वही सेम इक्वेशन थी, तो हमने ए और बी को एंड करके वाई इज इक्वल टू ए बी कर दिया। तो जे के फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम सेम एग्जाम्पल को इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके जी, अब टी फ्लिप फ्लॉप की एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 3 बिट काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं। एन एन बिट बाइनरी काउंटर कंसिस्ट ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप दैट कैन काउंट इन बाइनरी फ्रॉम 0 to 2 raised to power n-1। अगर एन काउंटर बनाना है, ठीक है, एन बिट यानी 3 बिट चाहिए, तो 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे जो कि 0 to 2 raised to power 3-1 यानी 0 to 7 तक काउंट कर रहे हो। 3 बिट में हमें पता है 0 to 7 तक होता है, तो ये एक छोटा सा फार्मूला है। 3 बिट काउंटर में 0 0 0 से शुरू होंगे और हम आगे 1 1 1 तक और फिर 0 0 हो जाएंगे। स्टेट डायग्राम देखो तो इसकी कुछ इस टाइप का ये बनेगा, ठीक है। हमने ये काउंटिंग करनी है, इस काउंटिंग के लिए हम टी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर लेते हैं। ओके जी, टी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम 3 बिट काउंटर यूज कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। तो 3 बिट काउंटर अगर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें इसकी क्या प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या होंगी। प्रेजेंट स्टेट अगर इस डायग्राम में गौर करें तो क्या है, 0 0 0, और नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 0 1, फिर नेक्स्ट स्टेट 0 0 1 से आगे क्या है, 0 1 0। इस बेस के ऊपर हम स्टेट टेबल बना सकते हैं, जैसे कि 0 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 0 1, 0 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 1 0। इसी तरह से ये पूरा टेबल चलता जाएगा, और फिर वापस जब 1 1 1 पे आएंगे तो फिर दोबारा 0 0 0 से आगे ये चल पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 1 1 से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 0 0। तो ये मेरे पास स्टेट टेबल आ गया, मतलब मुझे ये चीजें चाहिए। 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। 3 स्टेट का मतलब है कि मुझे 3 टॉगल फ्लिप फ्लॉप लगाने होंगे। पहले A2 और A2, प्रेजेंट स्टेट ऑफ A2 को देखते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ A2 के साथ। अगर मैं इन दोनों को वो देखूं तो 0, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप 3 लगेंगे, ठीक है। टी में एक इनपुट होती है, टी क्लॉक भी होता था। इस टी का हमने डिसीजन लेना है कि टी पे क्या होना है। तो मैं एक टी A2 ले रहा हूँ, एक टी A1 ले रहा हूँ, टी एक नॉट A0 ले रहा हूँ। A2 के लिए मैं टी A2 डिजाइन डिसाइड करना है क्या होगा। एक्साइटेशन टेबल क्या है, अगर सेम है तो T0, अगर डिफरेंट है तो T1, यानी अगर टॉगल हो रहा है तो 1 कर देना है टी को, अगर नहीं हो रहा तो 0 कर देना है। जैसे कि इस केस में 0 0 है तो टॉगल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 0 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 है तो 0 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, 1 1 है तो 0, 1 1 है तो 0 1 1 1 से 0 होगा तो फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फिर हम A1 को A1 के साथ और A0 को A0 की नेक्स्ट स्टेट के साथ देखेंगे। ये देखने के बाद हमारे पास तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स की इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। इन इक्वेशंस की बेस के ऊपर अगेन हमने कॉलम्स की बेस के ऊपर हमने इक्वेशन बना लेनी है। जैसे कि ये 2 पॉइंट्स पे 1 हो रहा है, 0 1 2 3, थर्ड और 7th टर्म 1 है, तो समेशन 3 7 1 3 5 7 पे 1 है TA1। इसी तरह से TA0 जो है वो सब पे 1 है, यानी 0 से लेके 7 तक। नेक्स्ट जो है वो हमने इसे इन इक्वेशंस को फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना और फिर उसकी सर्कल डायग्राम बना लेनी है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 7 का पेयर बनेगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। 1 3 5 7 के लिए करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और टी ए नॉट के लिए करेंगे तो पूरा ही आ जाएगा, ये 1 होता है, टी ए नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, 3 फ्लिप फ्लॉप लगाए डायग्राम में, ठीक है।
पहले की इनपुट पे ए वन ए नॉट एंड कर दें, दूसरे की पे ए नॉट लगा दें और तीसरे की पे वन लगा दें। ये हमारा 3 बिट बाइनरी काउंटर डिज़ाइन हो गया यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर है, डिज़ाइनिंग हमने इस तरह से सिक्वेंशियल सर्किट्स की करनी है। ये सारे सिंक्रोनाइज हैं क्योंकि इसमें क्लॉक है, ठीक है, और ये हमने क्लॉक भी लाजमी लगाना है। ओके जी, तो ये सिक्वेंशियल सर्किट्स का यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट्स कंप्लीट कर दी हैं। सिक्वेंशियल सर्किट्स में हमने उनकी स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल, उसकी फर्दर स्टेट रिडक्शन, स्टेट असाइनमेंट और उसकी डिज़ाइनिंग भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ ली। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।